निकाय निकाय चुनाव के कल मतदान होंगे, मतदान के लिए जो भी नेतृत्व आएगा इस बार महिला नेतृत्व होगा, उस महिला नेतृत्व के लिए आपकी क्या शुभकामनाएं हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं इस संदर्भ में? ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि पहली दफ़े इटावा नगर पालिका को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि महिला इस कुर्सी पर बैठने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कि उसकी पार्टी, हम लोगों की सबकी पार्टी है, इसके लिए तो हम ऊपर वालों को बधाई देते हैं। हालांकि कोटा महिला का था, लेकिन उसके बाद भी एक राजनीतिक परिवार से और एक राजनीतिक पति की पत्नी होते हुए उसको टिकट दिया है, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं। उसके साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जो आम तौर से कहते हैं, सब जगह कहते हैं कि भाई महिला हैं और इसलिए क्या कहते हैं आगे राजनीति में और काम में, नहीं ऐसा नहीं होता है। कितनी महिलाओं की मिसाल है जो बिल्कुल घर से निकले, हम खुद ही उसकी भी अभी जीवित मिसाल बैठे हैं, कोई राजनीति नहीं की थी। लेकिन एक बार ये महिलाएं निकल आती हैं और काम करती हैं तो बहुत इंश्योर होता है। खासतौर से जनपद इटावा में महिलाएं बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं और अब जनपद स्तरीय नहीं, राज्य स्तरीय नहीं और राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम से वो जानी जाती हैं, तो सभी महिलाओं के लिए, क्योंकि आप खुद राजनीति से जुड़ी हुई हैं और समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, महिलाओं के लिए एक बेहतर संदेश जरूर दीजिए। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ा परिवर्तन हम इटावा में इसी चुनाव में देख रहे हैं। जो उससे पहले में नहीं था, फिर उससे पहले उतना नहीं था, धीरे धीरे बढ़ता रहा। और महिलाएं राजनीति में जिम्मेवारी से काम करें, बहुत ज़्यादा आगे मैंने तो राजनीति में कुछ बदलाव भी आ जाएगा। और कहते हैं कि जहाँ महिलाएं रहती हैं थोड़ा शांति और बड़ा अच्छा प्रेम स्नेह का वातावरण रहता है, तो इसलिए राजनीति में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए, ये बढ़ाना भी चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है कि कुछ समय बाद ये याद ही नहीं रखेंगे लोग कि महिला रहे राजनीति में कितनी है क्या है, सब बराबर चलने लगेंगे। युवा पीढ़ी के लिए खास तौर से जो महिलाएं आजकल घर से बाहर निकलकर काम कर रही हैं, उनके लिए एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है कि आपने बाहर और जिस तरह से राजनीति और घर में सामंजस्य बिठाया, तो आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से उनको जरूर कोई संदेश दीजिए। दोनों बातें निभानी ही चाहिए, थोड़ा ये तो ज़रूर होता है और थोड़ा ज़रूर ये तो ज़रूर होता है कि थोड़ा बच्चों को उतना ध्यान नहीं दे पाते, जो दिन भर देखना है या उतना काम